क्वेश्चन नंबर सिक्स में एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज पेरिमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइडें इक्वल हो। मान लेते हैं ये वाली साइड है हमारे पास ए और ये वाली साइड है बी। यहाँ पे लिखे हैं ईच ऑफ इक्वल साइड, जो इसकी इक्वल साइड है वो कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरे पास 12, ये भी हो गया मेरे पास 12। इसकी थर्ड साइड सी निकाल लेंगे। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 12 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तीनों साइडें हो गई। विद द हेल्प ऑफ हीरो फॉर्मूला इसे सोल्व कर देंगे। तो यहां से हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 30 सेंटीमीटर। क्या ये पेरीमीटर? लेट ए कितनी ली है हमने? 12 सेंटीमीटर। बी भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इस वाली में पुट कर देते हैं। यहां पे पुट करेंगे ए की जगह 12, बी की जगह भी 12, तो सी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो सी इज इक्वल टू होगी 30 माइनस कितना हो गया ये ऐड करने पे? 24। 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी की वैल्यू आ गई 6। तीनों साइड्स हो गई। अब क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एस का? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू भी 12, सी की वैल्यू 6 बाय 2। या फिर आप सीधा भी निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर कितना है? 30। 30 का हाफ कर दीजिए 15 आएगा। तो ये भी आपके पास कितना बन रहा है? इनको एड अप करोगे 24 प्लस 6 30 बाय 2 15। सीधा भी निकालते सेमी पेरीमीटर, 30 को 2 से डिवाइड करते तब भी 15 आता। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें सभी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। एस सेमी पेरीमीटर है 15, तो ये हुआ 15 इंटू 15 माइनस ए, ए की वैल्यू है 12, 15 माइनस बी, बी की वैल्यू भी कितनी है 12, 15 माइनस सी, सी की वैल्यू है हमारे पास 6। इवेल्युएट करते हैं 15 इंटू 15 में से 12 गया 3, अगेन से 3, 15 में से 6 गया कितना आ गया 9। यहां से देखिए ये आपके पास 3 3 के 2 पेयर्स हैं, तो यहां से क्या होगा 3। चलिए एक बार इसके फैक्टर्स बना देते हैं। इसके फैक्टर्स लिखे जाते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3। यहां से एक 3 कॉमन आएगा, एक यहां से आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 9। एक 3 यहां से आएगा बाहर, एक 3 यहां से आएगा, 3 इंटू 3 9। यहां से तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 15। दे रखा है हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर, तो ये आएगा सेंटीमीटर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।